और आपको सीधे ले चलते हैं मालदीव संसद, जहां पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। Overwhelming democratic mandate to govern over a billion people. That truly demonstrates the faith and confidence the people of India have on you. Mr. Prime Minister, India is one of the Maldives' oldest and most valued regional partners. Our relationship is older than history. We watch the same films, we eat the same food, we listen to the same music, we read the same books, we laugh and cry over the same things. We, Mr. Prime Minister, are the same people. Most historians and anthropologists place a substantial wave of human migration to the Maldives far back 2,500 years ago. And that migration, Mr. Prime Minister, according to Mahavansham and our own mythology, they all came from West India. Mr. Prime Minister, they came from Rajasthan, Punjab, Gujarat, and Maharashtra. We should also note the trade and traveling ties between the coastal states of India, Calicut, Kolkata, Cochin, Goa, and Mumbai, the Maldives. It is in this spirit and recognition that President Honorable Ibrahim Omar Solih has made India First policy. Mr. Prime Minister, I reaffirm our commitment to this policy. Mr. Prime Minister, we live in turbulent times. When Vasco da Gama rounded the Cape of Good Hope, like all South Asians, we then fell to colonial rule. Mr. Prime Minister, not Indian rule, and never was that the case. India has never infringed on our rights for self-determination, but has always got us out of troubled waters. We always thank the Indian people and the government for this. Mr. Prime Minister, the Parliament of India and the People's Majlis has always enjoyed friendly and fraternal relations. I am confident that the India-Maldives relations would further continue to grow and strengthen in the coming years of your able leadership. Now, Mr. Prime Minister, I would like to invite you to address the Maldives People's Majlis. मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और मेरे मित्र मोहम्मद नशीद जी, मजलिस के सम्माननीय सदस्यगण, एक्सलेंसीज, आमंत्रित माननीय अतिथिगण, नमस्कार। आप सबको मैं अपनी और 130 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं देता हूं। ईद उल फितर के पावन पर्व का आनंद और उत्साह अभी भी हमारे साथ है। आप सबको और मालदीव के सभी लोगों मैं इस उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मालदीव यानी हजार से अधिक द्वीपों की माला, हिंद महासागर का ही नहीं पूरी दुनिया का एक नायाब नगीना है। इसकी असीम सुंदरता और प्राकृतिक संपदा हजारों साल से आकर्षण का केंद्र रही। प्रकृति की ताकत के सामने मानव के अदम्य साहस का यह देश एक अनूठा उदाहरण है।
व्यापार लोगों और संस्कृति के अनवरत प्रवाह का मालदीव साक्षी रहा और यह राजधानी माले विशाल नीले समंदर की प्रवेश द्वारी नहीं है, स्थायी शांतिपूर्ण समृद्धशाली हिंद महासागर क्षेत्र की यह कुंजी भी है। अध्यक्ष महोदय, आज मालदीव में और इस मजलिस में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। मजलिस ने सर्वसम्मति से मुझे निमंत्रण देने का निर्णय सम्मान्य नसीर जी के स्पीकर बनने के बाद अपनी पहली ही बैठक में लिया। आपके इस जेस्चर ने हर भारतीय के दिल को छू लिया है और उनका सम्मान और गौरव बढ़ाया है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और इस गरिमामय सदन के सभी सम्मान्य सदस्यों को अपनी ओर से और समूचे भारत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज मैं दूसरी बार मालदीव आया हूं और एक प्रकार से दूसरी बार मजलिस की ऐतिहासिक कार्यवाही का साक्षी हूं। पिछले वर्ष मैं बहुत खुशी और गर्व के साथ राष्ट्रपति सोली के पद ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। लोकतंत्र की जीत का वह उत्सव खुले स्टेडियम में आयोजित किया गया था। चारों ओर हजारों उत्साहित लोग मौजूद थे। उन्हीं की शक्ति और विश्वास, साहस और संकल्प उस जीत का आधार थे। उस दिन मालदीव में लोकतंत्र की ऊर्जा को महसूस कर मुझे एक रोमांच सा अनुभव हो रहा है। उस दिन मैंने मालदीव में लोकतंत्र के प्रति आम नागरिक के समर्पण को और अध्यक्ष महोदय, आप जैसे नेताओं के प्रति उनके प्यार और आदर को भी देखा। और आज इस सम्मान्य सदन में मैं लोकतंत्र के आप सब पुरोधाओं को हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सदन, यह मजलिस ईंट पत्थर से बनी सिर्फ एक इमारत नहीं, यह लोगों का मजमा नहीं है, यह लोकतंत्र की वो ऊर्जा भूमि है जहां देश की धड़कनें आपके विचारों और आवाज में गूंजती है। यहां आपके माध्यम से लोगों के सपने और आशाएं सच में बदलते हैं। यहां अलग अलग विचारधारा और दलों के सदस्य देश में लोकतंत्र, विकास और शांति के लिए सामूहिक संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ महीने पहले मालदीव के लोगों ने एकजुट होकर दुनिया के सामने लोकतंत्र की एक मिसाल कायम की। आपकी वो यात्रा चुनौतियों से भरी थी, लेकिन मालदीव ने दिखाया, आपने दिखा दिया कि जीत अंततः जनता की ही होती है। यह कोई मामूली सफलता नहीं थी। आपकी यह कामयाबी दुनिया भर के लिए एक मिसाल और प्रेरणा है और मालदीव की सफलता पर सबसे अधिक गर्व और खुशी किसी को हो सकती थी। उत्तर स्वाभाविक है,
आपके सबसे घनिष्ठ मित्र, आपके सबसे नजदीकी पड़ोसी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत। आज आपके बीच मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि मालदीव में लोकतंत्र की मजबूती के लिए भारत और हर भारतीय आपके साथ था और साथ रहेगा। अध्यक्ष महोदय, भारत ने भी हाल ही में मानव इतिहास की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी की है। 130 करोड़ भारतीयों के लिए यह सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र का महोत्सव यानी मेगा फेस्टिवल था। दो तिहाई से अधिक यानी 60 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। उन्होंने विकास और स्थिरता के पक्ष में भारी जनादेश दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में और खासकर अपने पड़ोस में मेरी सरकार की विदेश नीति का भी आधार है। नेबरहुड फर्स्ट हमारी प्राथमिकता है और नेबरहुड में मालदीव की प्राथमिकता बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आपके बीच आज मेरी उपस्थिति संयोग मात्र नहीं है। पिछले दिसंबर में राष्ट्रपति सोली ने भारत को अपना पहला गंतव्य बनाया और अब मालदीव का स्नेहपूर्ण निमंत्रण मुझे मेरे इस कार्यकाल में पहली विदेश यात्रा पर मालदीव ले आया है। इस यात्रा में विदेशियों के लिए आपके देश के सबसे बड़े सम्मान से भी मुझे नवाजा गया है। मेरे पास धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं। अध्यक्ष महोदय, भारत और मालदीव के संबंध इतिहास से भी पुराने हैं। अनादि काल से सागर की लहरें हम दोनों देशों के तटों को पखार रही है। ये लहरें हमारे लोगों के बीच मित्रता का संदेश वाहक रही है। हमारी सभ्यता और संस्कृति इन तरंगों की शक्ति लेकर फली फूली है। हमारे रिश्तों को सागर की गहराई और विस्तार का आशीर्वाद मिला है। विश्व के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक लोथल मेरे होम स्टेट गुजरात में था। 2000 साल से भी पहले लोथल और बाद के समय में सूरत जैसे शहरों के साथ मालदीव के व्यापारिक संबंध रहे। मालदीव की कौड़ियां भारत के बच्चों तक ही की प्रिय रही है। संगीत, वाद्य यंत्र, रस्म रिवाज, ये सब हमारी साझा विरासत के ज्वलंत उदाहरण। दिवेही भाषा को लें, वीक को भारत में हफ्ता कहते हैं। दिवेही में भी दिनों के नाम देखें, संडे इज आदिथा इन दिवेही, यह आदित्य यानी सूरत से जुड़ा है। सोमवार यानी मंडे, दिवेही में होमा जो सोम से यानी
चंद्रमा से समानता रखता है और वर्ल्ड को दिव्य ही में कहते हैं दुनिया और भारत में दुनिया और मालदीव में दुनिया एक प्रसिद्ध नाम भी है। दुनिया की तो बात ही क्या, भाषा की असमानता यहां से परे स्वर्ग और नरक तक भी फैली हुई है। इनके लिए दिवेही में सुरुगे और नर का शब्द है, लिस्ट बहुत लंबी है, बोलता गया तो पूरा शब्दकोश बन जाएगा, लेकिन संक्षेप में कहूं तो हर कदम पर साफ है कि हम एक ही गुलशन के फूल हैं। इसलिए मालदीव के सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन, मैन्युस्क्रिप्ट के संरक्षण और दिवेही भाषा के शब्दकोश के विकास जैसे प्रोजेक्ट्स में मालदीव को सहयोग देना हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं। और इसलिए फ्राइडे मॉस के कंजर्वेशन में भारत के सहयोग की घोषणा करते हुए आज मुझे बेहद खुशी हुई। कोरल से बनी इस ऐतिहासिक मस्जिद जैसी दूसरी मालदीव के बाहर दुनिया में कहीं नहीं। मालदीव के निवासियों ने सैकड़ों साल पहले समुद्र की नेमत के मस्जिद के अद्वितीय आर्किटेक्चर की रचना की। इसे प्रकृति के प्रति उनके सम्मान और सामंजस्य का पता चलता है। खेद का विषय है कि आज सामुदायिक संपदा पर प्रदूषण के बादल छा रहे, ऐसे में इस विलक्षण मस्जिद का कंजर्वेशन इतिहास ही नहीं हमारे पर्यावरण के संरक्षण का संदेश विश्व को देगा। अध्यक्ष महोदय, मालदीव में स्वतंत्रता, लोकतंत्र, खुशहाली और शांति के समर्थन में भारत मालदीव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा। चाहे वह 1988 की घटना हो या 2004 की सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदा या फिर हाल का पानी का संकट, हमें गर्व है कि भारत हर मुश्किल में, आपके हर प्रयास में, हर घड़ी हर कदम आपके साथ खड़ा, आपके साथ चला है। और अब हमारे दोनों देशों में विकास, समृद्धि और स्थिरता के पक्ष में भारी जनादेश ने आपसी सहयोग के लिए नए रास्ते खोले हैं। राष्ट्रपति सोली की पिछली यात्रा में $1.4 बिलियन के इकोनॉमिक पैकेज पर सहमति हुई थी, उसके क्रियान्वयन में उत्साहजनक प्रगति हुई है। मालदीव के विकास के लिए भारत के सहयोग का अटल फोकस है मालदीव के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, चाहे द्वीपों में पानी और सफाई के विषय हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा। भारत के सहयोग का आधार होगा लोक कल्याण और मालदीव की जरूरतें और प्राथमिकता। हमारे दर्जनों सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स और अन्य सहयोग कार्यक्रम मालदीव के लोगों के जीवन को नजदीक से छू रहे हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने के आपके प्रयासों का पूरक बन रहे हैं। मालदीव में लोकतंत्र और समृद्धि के लिए भारत एक विश्वसनीय, मजबूत और अग्रणी सहयोगी बना रहेगा और हमारा यह सहयोग आप सभी जनप्रतिनिधियों के हाथ मजबूत करेगा। अध्यक्ष महोदय, देशों के संबंध सिर्फ सरकारों के बीच नहीं होते, लोगों के बीच संपर्क उनका प्राण होते हैं। इसलिए
मैं उन सभी उपायों को विशेष महत्व देता हूं जिनसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज को बढ़ावा मिले। अतः मुझे विशेष खुशी है कि हमने आज दोनों देशों के बीच फेरी सर्विस पर समझौता किया। मुझे इस बात की भी खुशी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस आदि के लिए भारत आने वाले मालदीवियों को वीजा फैसिलिटेशन एग्रीमेंट से और सुविधा हुई है। अध्यक्ष महोदय, आपसी सहयोग को आगे बढ़ाते हुए हमें आज के संसार की गहन अनिश्चितताओं और गंभीर चुनौतियों का भी ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी में भारी प्रगति से उत्पन्न डिस्परेंसेस, बहुध्रुवीय विश्व में आर्थिक और सामरिक दूरियों में बदलाव, प्रतिद्वंदिता और प्रतिस्पर्धा, साइबर स्पेस आदि से संबंधित यूं तो बहुत से विषय हैं, परंतु मैं उन तीन चुनौतियों का जिक्र करना चाहूंगा जो हम दोनों देशों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, आतंकवाद हमारे समय की एक बड़ी चुनौती है। यह खतरा एक देश या एक क्षेत्र के लिए नहीं, ये खतरा पूरी मानवता के लिए है। कोई दिन नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब आतंकवाद कहीं किसी जगह अपना भयानक रूप दिखाकर किसी निर्दोष की जान न लेता। आतंकवादियों के न तो अपने बैंक होते हैं, न टंकसाल और न ही हथियारों की फैक्ट्री, फिर भी उन्हें धन और हथियारों की कभी कमी नहीं होती। कहां से पाते हैं ये सब? कौन देता है उन्हें ये सुविधाएं? आतंकवाद की स्टेट स्पॉन्सरशिप सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग अभी भी गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट का भेद करने की गलती कर रहे हैं। कृत्रिम मतभेदों में पड़कर हमने बहुत समय गंवा दिया। पानी अब सर से ऊपर निकल रहा है। आतंकवाद की चुनौती से बली प्रकार से निपटने के लिए सभी मानवतावादी शक्तियों का एकजुट होना जरूरी है। आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन से निपटना विश्व के नेतृत्व की सबसे खरी कसौटी है। जिस प्रकार विश्व समुदाय ने क्लाइमेट चेंज के खतरे पर सक्रिय रूप से विश्वव्यापी कन्वेंशन और सम्मेलन किए हैं, वैसे आतंकवाद के विषय में क्यों नहीं हो रह सकता? मैं विश्व संगठनों और सभी प्रमुख देशों से अपेक्षा करूंगा कि एक समय सीमा के भीतर आतंकवाद पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आयोजित करें ताकि आतंकवादियों और उनके समर्थक जिन लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं उन्हें बंद करने पर सार्थक विचार किया जा सके। अगर हमने अब और देर की तो आज और आज के बाद आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। अध्यक्ष महोदय, मैंने क्लाइमेट चेंज का उल्लेख किया, इसमें संदेह नहीं, इस सच्चाई को हम रोज जी रहे हैं। सूखती नदियां और मौसम की अनिश्चितता हमारे किसानों को प्रभावित कर रही, पिघलते हिमखंड और समुद्र का बढ़ता स्तर मालदीव जैसे देशों के लिए अस्तित्व का खतरा बन गए, कोरल द्वीपों और समुद्र से जुड़ी आजीविका पर
पॉल्यूशन कहर बरपा रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने समुद्र की गहराई में विश्व की पहली कैबिनेट बैठक करके इन खतरों की ओर संसार का ध्यान खींचा था, उसे कौन भूल सकता। मालदीव ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और कई पहल की। मुझे खुशी है कि मालदीव इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। भारत की संयुक्त पहल ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए दुनिया के देशों को एक व्यावहारिक मंच प्रदान किया है। क्लाइमेट चेंज के कई परिणामों का समाधान रिन्यूएबल एनर्जी के सशक्त विकल्प से मुमकिन है। सन 2022 तक 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भारत के लक्ष्य और उसे हासिल करने में हुई आशातीत प्रगति से यह सम्मानीय सदन भली प्रकार से परिचित है। और अब भारत के सहयोग से माले की सड़कें 2500 एलईडी स्ट्रीट लाइट के दूधिया प्रकाश में नहा रही और 2,00,000 एलईडी बल्ब मालदीव वासियों के घरों और दुकानों को जगमगाने के लिए आ चुके। इनसे बिजली बचेगी और खर्च भी, और ये पर्यावरण के अनुकूल भी रहेंगे। पर्यावरण के संबंध में छोटे द्वीपों की भारत ने विशेष चिंता की। उनकी विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए हमने सहयोग ही नहीं किया बल्कि दुनिया के तमाम मंचों पर आवाज भी उठाई। लेकिन सम्मिलित प्रयास और बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई यह सोचे कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से यह समस्या हल हो जाएगी तो यह सही नहीं होगा। क्लाइमेट चेंज का प्रतिकार मूल्यों में, सोच में, जीवन शैली में और समाज में बदलाव के बिना संभव नहीं है। प्राचीन भारतीय दर्शन में माना गया कि माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी या। अगर हम पृथ्वी को अपनी माता मानेंगे तो हम उसका सम्मान और संरक्षण ही करेंगे, नुकसान कभी नहीं करेंगे। हमें ध्यान रखना होगा कि यह पृथ्वी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। हमें इसके स्वामी नहीं, सिर्फ ट्रस्टी हैं। अध्यक्ष महोदय, तीसरा विषय है हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जहां हमारा साझा क्षेत्र है। यहां दुनिया की 50% जनसंख्या निवास करती है और धर्म, संस्कृतियों, भाषाओं, इतिहास तथा राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं की विविधता। परंतु इस क्षेत्र में बहुत से अनुत्तरित प्रश्न और अनसुलझे विवाद है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र हमारी जीवन रेखा है और व्यापार का राजमार्ग भी है। यह हर मायने में हमारे साझा भविष्य की कुंजी है और इसलिए मैंने जून 2018 में सिंगापुर में बोलते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में खुलेपन, एकीकरण एवं संतुलन कायम करने के लिए सबके साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया।